drove you. Which other? I will go. Yes, I will drove you. Huh? Tuk tuk. No, not EV. Which other? I can drove you. I'll go by. I'll go. Thank you. I can't have EV. I have a car. You can tell me I can drove you. Very strong. From Kerala? I have a car like 30 EV. I'll go with other. You tell me, no problem. चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। इट्स लाइक माय कार मेबी टुमारो वी कैन माय आई हैव टू बाय कार एंड देन ड्रो आल्सो सम जून इफ यू वेरी वांट गो ठीक है कटी भी बिट ऑफ आई कैन ड्रो नो प्रॉब्लम आई हैव बाय कार नो नो आई विल गो दिस इज कंसीडर थैंक यू व्हेन यू आर ऑल जस्ट कॉल मी आई कैन अरेंज फॉर माय कार श्योर So this is what happens when you come out from Jaisalmer railway station. और अगर आप कार से बाइक से आ रहे हो तो पहले से ही लोग काफ़ी आपको फॉलो करने लग जाते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मानते, पर ठीक है, कामली हैंडल करो, इनका भी काम है। कई लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मैंने देखा, एक दो मैंने वीडियोज़ देखे थे, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से बात करो, मान भी जाते हैं, मना कर दो प्यार से बस। ओवरऑल मेरा बीकानेर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बट आते टाइम रात को मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि मुझे कैमरा चालू करना पड़ेगा, खुद की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी सही रहता है, और वही हुआ। रास्ते में एक जगह बच्चों ने भी थोड़ा न्यूसेंस किया था, बट वो बच्चे थे, ठीक है, टॉलरेट कर सकते हो आप, कुछ उनको बोलना बनता भी नहीं, मैंने कुछ रिप्लाई किया भी नहीं उनको। पर जब मैं रास्ते में थोड़ा आगे गया तो वो एक बाइक पे तीन जने थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, और दे टोल्ड मी टू पुट डाउन द कैमरा, और मैंने नहीं किया भाई, ठीक है चलता है। बट इस तरीके के लोग ही इतनी बढ़िया जगह बीकानेर जैसी जगह का मजाक बना के रख देते। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और आई एम इन जैसलमेर राइट नाउ। पैदल पैदल जाऊंगा यहाँ से, मेरा जो हॉस्टल है वो फोर्ट के ऊपर है, और फोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 या 1 कुछ ऐसा ही है। चलते हैं हाइक करते हुए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, एक दो घंटे की मेरे को नींद भी आ गई थी ट्रेन में, बस प्रॉब्लम एक हो रही है, मेरे पाँव में कोई कीड़ा काट गया। अभी मैं रेलवे स्टेशन से सिटी की तरफ चलाऊंगा 500-600 मीटर, और यहाँ पे एक बोर्ड आया है, यहाँ से राइट साइड में गड़ी सर दिखा रहा है, और मैं अंदर ले लूँगा कॉलोनी की तरफ, और वहाँ से फोर्ट की तरफ जाऊँगा, दिस इज़ शॉर्टकट। यहाँ के कुत्ते बड़े ख़तरनाक है, उनसे मुझे थोड़ा बचना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा भी है, और मैंने इस तरीके का बैग वैग लगेज टांग रखा है। आगे कुछ स्टॉल्स खुली हुई है, वहाँ पर चाय पी लेते हैं, इधर लाइट जल रही है, ये तो बंद है, आगे खुली हुई है। एक चाय, कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी, मैंने कहा था ना जैसलमेर में कुत्ते बड़े भयानक हैं। अभी भी अटैक कर सकते हैं, बच के रहना पड़ेगा इनसे, थोड़ा सा आई नीड टू बी फोकस्ड। रो रहे, जय हनुमान जी, क्या वाइब बिखेर रहे हैं हनुमान जी। यू कैन सी अ लॉट ऑफ काउज, अटैक नहीं करते, बस भागो छोटी काऊ विद मदर काऊ। अब इसको क्या प्रॉब्लम है यार मुझसे, No!
ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको मारना पड़ेगा। बड़ी डॉग्स, नहीं बुक करा लिया सर, बुक कराया हुआ है। ये फोर्ट का रास्ता आगे इधर से, इधर इधर ऊपर होके जी उधर से मिल जाएगा, सीधे रास्ता आएगा फोर्ट। अच्छा अच्छा, नहीं फोर्ट के अंदर ही बुक कराया है। फोर्ट के अंदर बुक है तो रिक्शा ले लेना था सर। हैं रिक्शा ले लेना, नहीं कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। रूम चाहिए तो टेक रेस्ट। टू गो देयर, उसके बाद ऊपर, एंड देन आई हैव टू फाइंड माय होटल फर्स्ट। मिल नहीं रहा है हॉस्टल, भैया हॉस्टल किधर पड़ेगा? हॉस्टल जाना है क्या आपको? अब ऐसा करो इस वाली गली के अंदर एंटर हो जाओ, ठीक है? इस वाली गली में सीधा सीधा जाके फर्स्ट लेफ्ट में एकदम सीधा चलेगा, ठीक है? वहाँ पे सर्किल आएगा, आपको वहाँ खड़े हो गए ना, सामने दिख जाएगा पत्थर का बना हुआ हॉस्टल। थैंक यू। फिलहाल अभी मैं एक दूसरे कैफ़े पे आया हुआ हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि हॉस्टल का भी चालू नहीं है कैफ़े। और मुझे थोड़ा सा डॉर्म्स का अटपटा सा माहौल लग रहा है यार, क्योंकि बहुत स्मेली है, वॉशरूम की भी स्मेल आ रही है उसमें। और हो सकता है नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम भी लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है वहाँ पे रुकना। तो मैं एक दो जगह और एक्सप्लोर करूँगा, हो सकता है इस कैफ़े में भी नीचे रूम्स हैं वो देखता हूँ, और उसके बाद आई डिसाइड कि मैं हॉस्टल में रुकूंगा या यहाँ पे रुकूंगा या फिर कहीं और। टोस्ट हो गया आपका? दिस इज़ माय डॉर्म, वो रहा कैबिनेट 3 नंबर, ये दो वो दो बेड्स, वॉशरूम ऊपर से खुला हुआ, पीछे फैन है, इधर एसी है, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, तो ठीक है, कंफर्टेबल तो नहीं है बट ठीक है, स्मेल आ रही है थोड़ी बहुत। और जो यहाँ पे वो काउंटर पे बंदा था उस उठाई नहीं, काफ़ी देर तक उसको बोलता रहा, मैं सोता रहा भाई, वो एकदम बढ़िया नींद आ रही थी उसको।
दिस इज़ माई प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट टू डेज। और जो रूम है स्टे, इनिशियली तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा था, स्मेल आती है, बट ठीक है, चला लेके देखते हैं।